आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सकल जैन समाज आनंद विहार क्षेत्र दिल्ली। मय हो जाता है इनका वंदन करते करते, खुद का वंदन हो जाता है इनका वंदन करते करते, खुद का वंदन हो जाता है। गुरुदेव शरण में आ, गुरुदेव शरण में आ, गुरु ही तुझे पार उतारेंगे। गुरुदेव शरण में आ, गुरु ही तुझे पार उतारेंगे। आत्म देव जगा, निज आत्म देव जगा, गुरु ही तुझे पार उतारे। पाकर जीवन सफल बनाए, इनकी चरण कमल में पावन नाम तिहार, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, पतझड़ जैसा जीवन मेरा, कहानी से न रोको आज धोनी दो चरण, आँखों के पानी से बजाओ ढोल स्वागत के। मेरे गुरु देव आए हैं मेरी चौखट भी सुना दीजो, चेते दर्दी भव दुखाने
ये सरिस जिने वाणी आती विषय कसाय मोच जा जाती लोया लो ये पया समझामी श्री जिने वाणी में सदान मामी श्री जिने वाणी में सदान मामी ओम रूम प्राकृत सभी जगह कुंद पूजिया चर्ची सुनी संग जी गुरुदेव कर कमले प्यो शास्त्रो गुण समर्पया मी माताई तुझ में विकसित आचार सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सत तेरे हम भक्तों के कल्याण ये तो आशीष आप गाने तेरे पूज गुरुवर का भक्ति में पूज गुरुवर चार मगान सारा जगत करे गुणगान चौथे प्लादी अर्गेम निर्वपाम मितीश बोले परा पुजा चर्शी सुली सागजी गुर्देव की ओ, मैंने चरनन शीश जुकाया गुरुवर तेरे आज में आया गुरुवर लाज हमारी रखना हो गुरुजी रंग में तुम्हारी रंगना हो गुरुवर रंग में तुम्हारी रंगना दैवतियों में गाए आकर मेरे उर्वशो विद्या ज्योति जगाई दर्शन पाकर खिल गई कमलों में वृंद पद कमलों में झरपड़ा भव्यों का अत्र उत्र सम्मोषक आह्वान नम जय हो दृष्टि ठाठाठ स्थाप नम जय हो अत्र मम सन्निहितो सन्निधि करणम जय हो जल लेकर के आए सी मैं आया मन सी तेरे शन बिन अखिया दर से चंदन केसर की यह झारी यह गुड़वही माचल गाती है वंदन में निरत हृदय रहता अध्ययन की अनुपम थाती है आचार्य श्री सुनील सार यश ज्ञान ज्योत्सना सतत वह हम भक्तों के कल्याण गे तो आशीष आपका नित रहे ओम रूम परम पूज्य दुर्ग पट्टाधि प्राकृत वासल शिरोमणि आचार्य श्री सागर से गुरुदेव चरण उठे जन्म संसार सा विनाश न चंदनम निर्वपामिति हम शिष्यों के कल्याण गे आशीष आपका नित रहे ओम रूम परम पूज्य वासल शिरोमणि अभिनव कुंद कुंद आचार्य श्री सागर गुरुदेव गुरु बेबे अखंड क्षेप प्राप्त है अक्षता निर्वपामिति पन्न के कटरी भर गई रे इतना दिया मेरे गुरुवर ने श्वेत शाल की सुषमाए अचरज से भर कर कहती है रिजुता मृदुता में अतुलनीय संयम की धारा बहती आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे हम शिष्यों के कल्याण हेतु आशीष आपका नित रहे ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पटे प्राकृत भक्तों के भगवान आचार्य तुलसी सागर जी गुरुदेव चले पियो कांबड़ विष्णु से पुष्प निर्वपामिति मोहन का विनाश नहीं दीप मेरे वेतम निर्वपामिति हम भी लघु दीप शिखा लेकर कैवल्य भावना पाते आचार्य श्री सुनील सागर की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत पर हम शिष्यों के कल्याण गे तो आशीष आपका नित रहे ओम रूम प्राकृत चर श्री सागर गुरुदेव चले पे मोहन का विनाश नहीं दीपम निर्वपामिति दशगर्भदेनाय रूपम निर्वपामिति दिल में नाम तेरा है
तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा ज्योत्सना सतत भई, हम शिष्यों के कल्याण गे तू आशीष आपका नित्य रहे। प्रभु जी चतुर्थ पट्टा दी प्रांग दे जर से सुन सब जी गुड़े चले पियो महा मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा जी आप का नित्य रहे। ओम रूम चतुर्थ पट्टा दी प्रांग दे जर सुन सब जी गुड़े चले पियो अनर्ग पद प्राप्त है यर्गी हम निर्वपामिति स्वाहा। जय माला स्वाहा चलिए। जय माला हां जय माला। गुरुवर की मूर्ति यारे इसे लागे ना नजरिया रे। हो गुरुवर की मूर्ति यारे इसे लागे ना नजरिया रे। सोनी सोनी बड़ी प्यारी लागे सोने जैसी प्यारी। देखो मैं जिन दीक्षा स्वीकार किया जो पतिक विश्व का सुर बना अमृत का अमृत बना दिया। प्रतियों के सबल रसायन से इष्टोपदेश अनुवाद किया भक्ति से मुक्ति पाकर के संक्षिप्त जन दिया। काशी दर्शन से ब्रह्मचर्य विज्ञान कनो साम्राज्य बसा प्राकृत संस्कृत में सिद्ध ग्रस्त कविताएं क्षण में बन जाए। मेरी में गानो नीत लिखे तेरी लेखा मंगल का जय उद्घोष करे पापों की मेटे सब्र। संयम के पावन अवसर को पाए नूतन आकांक्षा जीवन का नव उत्थान करे पूरी हो नित अभिलाषाई। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधि प्राकृत आचार्य श्री सुनील संघ जी गुरुदेव चरण प्यो। जय माला सीत पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति। बोले परम पूज्य श्री सुनील संघ जी जरा जी से मैं महावीर जी जा रहा था तो वहां आपके संग के मैंने पहली बार दर्शन किए और तभी गाड़ी में जाते हुए वापसी महावीर जी से जब हम दिल्ली आ रहे थे तो मेरे अंदर के उद्गार ने कहा कि क्यों ना ये पूरा संघ हमारे जागृति अनकेले में आ जाए। महाराज श्री जागृति अनकलेव की स्थापना और मंदिर की स्थापना 2006 में हुई थी और उसके बाद से कभी भी गुरुवर हमारे यहाँ आचार्य मुनिवर कई लोग आए मगर एक या दो दिन के लिए आए, बहुत समय यहाँ नहीं रुके। हम लोगों का था कि हम गुरुवर का किस तरह से आर क्रिया और ये सब व्यवस्था करेंगे, मगर जैसे आपने कहा कि यहाँ के ये जहाँ पर गुरुवर जाते हैं वहाँ उनका पुण्य कर्म का उदय होता है। महाराज जी जब हम वहाँ से आए तो हमने बाहुबली ऋषभ विहार सुरजमल विहार इन सब लोगों के साथ बैठ के मीटिंग की कि गुरुवर हमारे यहाँ आए और सब जगह कुछ कुछ समय के लिए जाएं और हमने आपकी सेवा समिति से भी प्रार्थना की और अपने श्रीफल चढ़ाए और श्रीफल चढ़ाने के बाद गुरुवर हमारे पास न्योता आया कि ग्रीफ आशना एक महीने की हाँ गुरुवार आपके लिए यहाँ करने के लिए तैयार हैं। तो वही आपका कहना कि ये जागृति समाज का पुण्य कर्म का उदय था कि आपने हमें सुकृति दी और हम आपको बताएं कि जब ये हमें सुकृति मिली हम लोग बहुत परेशान थे कि एक महीना गुरुवार कैसे रहेंगे, इतना बड़ा संघ है, हम लोगों की हालत सबकी प्रस्त थी, रात दिन हमें नींद नहीं आती थी, मगर आपने कहा कि जैसे यहाँ के लोगों का पुण्य कर्म आपको लेकर आया है, आपके पुण्य कर्म ने सारी यहाँ की व्यवस्थाएं उसको इतनी अच्छी कर दी है कि आज पूरे दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में इस बात की जय जयकार है कि जागृति समाज जहाँ पर गुरुवार दो या तीन दिन से भी नहीं चाहते रुके वहां पर ग्रीष्मकालीन वाचना एक महीने की और 60 लोगों की यहाँ पर हुई है। गुरुवार हम तो कृतज्ञ हो गए, हम आपको बता नहीं सकते, ये जो सुमोशन जागृति में बना है हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। और वही आपका कहना हमारे पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पर अतिशयकारी हैं और जो ये हुआ है मैं सभी लोगों से कहता हूँ पूरा जागृति समाज यहाँ पर है ये बहुत बड़ा अतिशय है और ये सब आपकी अनुकंपा है। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहते आपके चरणों में बारम्बार नमस्कार। 24 भगवान की वंदना एक साथ गाए। उस हाजिए संभव अहिनंदन सुमई पोम सुपाश चंद जिन तुफ्यंत से अल से अंसा वासु पुज्य जिन विमल अनंता
ब्रह्म संति कुंथो अमली मुनि सुबैन मिनैमी महली पासुना महावीर महेशम वंदामी चौबीस जिनेशम वंदामी चौबीस जिनेशम वंदामी चौबीस जिनेशम। चौबीस तीर्थंकर भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय हो। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। बोले चतुर्थ पट्टाधि प्राकृताचार्य विरोह गुंद गुंद भक्तों के भगवान अतिशय योगी आचार्य श्री सोनी सागर जी गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। किसी को पुण्य मिलता है, किसी को भक्ति मिलती है, किसी को पुण्य मिलता है, किसी को भक्ति मिलती है। ये जिनेन्द्र भगवान का दरबार है, यहाँ तो हरेक मुरझाई कली खिलती है। दुनिया की भीड़ से हटकर यहां आकर ऐसे लगा कि जिंदा लोगों में आ गए। यहां आकर ऐसे लगा कि जिंदा लोगों में आ गए। दुनिया की भीड़ से हटकर चुनिंदा लोगों में आ गए। जब संघ में कोई आता है, देवशास्त्र गुरु भक्त समाज में कोई जाता है, तो उसे ऐसा ही लगता है कि दुनिया की भीड़ से हटकर चुनिंदा लोगों में आ गए और यहां आकर जैसे जिंदा। बाकी दुनिया तो मुर्दों की तरह जीती है और यहां आकर तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। महावीर भगवान के समावर्षण के जो अतिशय सुनते हैं वो सत्य ही हैं, क्योंकि आज भी साधना करने वाले संतों का समुदाय जहां जाता है वहां भी कई अनहोनी यूं होते चले जाते हैं। मुंबई से परेश भाई आए, अरविंद गांधी के पुत्र, और कह रहे थे कि मुंबई में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। सुबह निहार शुद्धि को जाते हैं और कई श्रावक साथ में लग जाते हैं और योग संयोग है कि हमें बाहर जगह भी प्रासुक मिल जाती है। तो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, ठंडी हवा चल रही है। तो साथ चलने वाले एक युवक ने कहा कि तुम्हारे यहाँ मुंबई में जितनी गर्मी है उससे ज्यादा गर्मी इन दिनों यहाँ दिल्ली में रहा करती है, लू चला करती है। जून के इन सुबहों में भी ये तो मुनि संघ का प्रभाव है कि माहौल कुछ और ही है। निश्चित रूप से जहां मुनिराजों की साधना और तपस्या होती है और साधना में सहयोगी श्रावकों का पुरुषार्थ होता है, वहां कई चीजों आपो आप बनती और खिलती हुई चली जाती हैं। गलतियां किससे नहीं होती हैं बताइए, गलतियां किससे नहीं होती हैं? आपसे तो ठीक है, आपके बाप से भी होती हैं, क्योंकि अगर गलतियां ना होती तो अपन यहां इंसान के चोले में ना होते, सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में बैठे होते। तो आपकी दृष्टि ठीक है कि गुरुदेवों से गलती नहीं होती है, फिर भी त्रुटियां तो होती होंगी, तभी तो प्रतिक्रमण किए जाते हैं। भले छोटी से छोटी होती होंगी, भले अनजान में होती होंगी, लेकिन उन सारी गलतियों को मिटाने का ही तो पुरुषार्थ चल रहा है। तो गलती किससे नहीं होती? वास्तव में ऐसे कहते भी हैं कि इंसान है
जाने अनजाने में गलती तो हो ही जाती है, हमें क्षमा करना, हम आपको क्षमा करते हैं। और यूं पूछे कि गलती किससे नहीं होती, गलती उससे नहीं होती है जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता। दिल्ली में आपको कितने घर हैं? दिल्ली में जैन समाज के कितने घर होंगे? जैन समाज के घर ढूंढने जाए तो 1,00,000 जितने घर तो होंगे होंगे, आप पता ही नहीं करते हो। दिल्ली NCR में आप देखेंगे तो 1,00,000 घर, समाज तो 4-5 लाख हो जाएगी NCR जोड़ेंगे तो। बस उतनी सूक्ष्मता से, हाँ कोई भी है। अब यहां बाहर लिखा हुआ डागा, और डागा मतलब हाँ, और डॉगी लिखा है तो ऐसे बहुत लोग हैं। और हम बताएं कि इतने घरों में 90% घर ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके यहां आज तक एक भी अंतराय नहीं हुआ। एक मुनि महाराज का अंतराय नहीं हुआ 90% घरों में। हुआ है? माने अगर आप कोई कहे, कभी कभी युवाओं को लगता है कि मैं इसलिए दूर रहता हूं कि मेरे से गलती ना हो जाए, मैं इसलिए नहीं आहार देने जाता हूं कि मेरे से गलती ना हो जाए, अंतराय ना आ जाए। अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे 90% लोग हैं जिनसे आज तक गलती हुई नहीं, एक भी अंतराय नहीं हुआ उनके घर में उनके हाथ से। क्यों? ना बड़गाहन किया कभी, ना घर में कोई साधु गए, और ना कभी आहार दिया, ना कभी आहार हुआ, और दिया भी तो दूसरे के घर में दिया, अंतरा हुआ तो दूसरे के माथे। अब उससे कोई गलती नहीं होने वाली है अंतराय के मामले में। आज तक बोले भगवान का कोई आसाधना ही नहीं हुई हमसे, ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको 50% कम से कम। आसाधना ही नहीं हुई, ना मेरे हाथ से कलश छूटा, ना कभी कलश लुढ़का, ना कभी भगवान की मूर्ति को धक्का लगा, और ना कभी भगवान की मूर्ति मेरे हाथ से गिरी। कभी मंदिर गए नहीं, और गए तो अभी से एकादी की विधि पूजा विधान की क्रिया में सम्मिलित ही नहीं हुए, कहां से गलती होगी? हैं? आज तक मैंने कोई मुनि महाराज के संबंध में कोई गलती नहीं की, कभी विहार में शामिल हुए नहीं, कभी निहार शुद्धि में गए नहीं, कभी दर्शन किए नहीं, दर्शन किए तो दूर से किए। कुछ लोगों ने अपनी अपनी कल्पना ही बना ली, मुनि महाराज होते ही नहीं। अरे भाई होते नहीं तो ये कहां से आ गए फिर? तो इसके ऊपर और कुछ मुलम्मा लगा देंगे, ये तो ऐसे ही है बस, आ गए हो गए ऐसे ही बस, तो ये तो बन गए। और इतने भद्दे शब्दों का उपयोग करते हैं कुछ ढीठ लोग तो ना, कि धर्मात्मा सुने तो उसके कानों में तो जैसे किसी ने शीशा डाल दिया हो कि भाई तुम नहीं मान पाते हो, तुम नहीं कर पाते हो, तुम्हारी भक्ति भावना नहीं है, तो कम से कम ऐसे शब्द तो मत बोलो। भाई कुंदकुंद स्वामी भी तो इसी पंचम काल में हुए हैं, वो ही तो व्रत क्रिया चर्या लगभग ऐसे ही करते होंगे, ज्यादा से ज्यादा वो अंतर्मुख रहते होंगे। अब ज्ञानी कह रहे थे महाराज नजर उठा के देखो भाई, हैं क्या नजर उठा के देखें बताइए, क्या देखना है बाहर में, ऐसा क्या है जो देखें? और बाहर का देखना देखना तो चलता रहा, अब बाहर का देखना बंद करके भीतर देखो, भीतर बाहर क्या देखेंगे? जिस पर तुम्हारी नजर पड़ जाए उसकी किस्मत का लिखा बदलता है, और दुनिया का बच्चा बच्चा सन्मति सागर जी की जय। बोलते ना नजर पड़ जाए नजर, अब कल यही तो बात आई थी परसों प्रवचन में कि नजर का भी कमाल होता है,
हैं, ढेर सारे गानों में आता है सब नजर नजर से नजर मिल गई, नजर पड़ गई, नजर लग गई, तेरी नजरों में वो जादू है, है ना, आंखों में। ये रास्ते चलते फिरते क्या चलता है दुनिया में, कानों में तो पड़ ही जाता है। इसका मतलब है कि नजर का प्रभाव तो होता है। ये बात सत्य है, उपादान की अपनी योग्यता है, निमित्त का अपना काम है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। और वस्तु स्वतंत्रता की अपेक्षा से बात करें तो कोई वस्तु किसी को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन वैभाविक परिणतियों में, वैभाविक दशाओं में देखो तो एक नजर, एक नजर में क्या होता है जी, एक नजर में क्या से क्या नहीं होता है, बेड़ा पार हो जाता है जी, प्यार हो जाता है जी। अगर गुरु की नजर पड़ जाए तो बेड़ा पार हुआ, और अगर किसी रागी की नजर पड़ गई तो बेड़ा पार। बोलो उसे दुनिया की भाषा में, भले प्यार बोलो, लेकिन उससे ज्यादा आत्मा का नुकसान और क्या होगा। हमें बड़ा मन चिंतन का एक ख्याल आया कि अगर कोई हमें ऐसे मारता है तो हम उसे दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन कोई द्वेष से मारता है तो हम उसे दुश्मन समझ लेते हैं, और कोई राग से मारता है, बोलो, आंखियों से गोली मारी, बंदूक से कोई गोली मारे तो समझना आप, जो ये शब्द जहां से आए हैं उस पर मत जाना, इसको ऐसे समझना कि अगर कोई बंदूक से गोली मारे तो द्वेष ही कहलाएगा, उसमें हमारी जान चली गई। और ये वाला जो लफ्ज है इसमें क्या हुआ, गोली तो इसमें भी मारी गई, की बात की मारी गई, राग की, विकार की। और आपका वो हाल हो गया कि रात की नींद गायब हो गई, दिन का चैन गायब हो गया, हैं? टी शर्ट में भले चैन रहती है लेकिन दिल में चैन, इससे किसका नुकसान हुआ, इतना बारीक कोई सोचता है, इससे नुकसान किसका होगा। आप देखें तो शब्द पर ही गौर करें तो गाने वाले इसको बड़ा जोर से गाएंगे, बजाने वाले बड़े जोर से बजाएंगे, लेकिन अगर इस पर आप विचार करेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से तो मालूम पड़ेगा जैसे बंदूक की गोली से कोई मारा गया, वैसे इससे भी कोई मारा गया। कैसा मारा गया, वासना से मारा गया। अभी तक उसको वो सारे चांस थे कि वो वितरागता के मार्ग पर चले और अपने संसार के जंजाल को, आगे होने वाली खोटी पर्यायों को भी खत्म कर दे और सन्मार्ग पर बढ़ता जाए। बहुत चांस थे उसको जीवन के, जीवंतता के, आनंद और उल्लास के। जीवन तो संयम का जीवन ही जीवन है, बाकी तो यूं भाव मरण। बोलो काओ काओ, यों भाव जन्म और भाव मरण सदियों से करता, इसमें क्या हुआ। चाकू से गोली से मरेगा तो कहलाएगा द्रव्य मरण, और यूं मरेगा कैसे कैसे, बार बार क्यों बुलवाना चाहते हो, सिर्फ समझ लो उतना ही काफी। इसलिए नजरें ज्ञानी कहते हैं, जब ये खिड़कियां खुलती हैं ना, जब ये खिड़कियां खुलती हैं तो ढेरों तरह की बातें पैदा हो जाती हैं। जो जो देखते हैं उसके पीछे लग जाते हैं, जो नजर में आता है बस उसी को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं,
एक ही दिन में, एक ही घंटे में आप कितने सारे लोगों को पसंद नहीं कर लेते हैं? नहीं कर लेते हैं? आंखें खुली हैं और जो निकला ये निकला वो निकला, ऐसा निकला वैसा निकला, लटके झटके के साथ निकला, और आप ये बहुत बढ़िया है, ये अच्छा अच्छा। अब यूं ना देखें तो केवल ये मोबाइल ले लो, इडियट वॉक्स मोबाइल, आप मोबाइल में कितनी चीजें नहीं पकड़ लेते, अपने मन में कितनी सारी चीजें कैद नहीं कर लेते, कितनी सारी गोरियां, कितनी सारी छोरियां, कितनी सारी गधियां, कितनी सारी क्या क्या उसमें से नहीं है, आपके दिमाग में लोड होता रहता है। जैसे मोबाइल हैक होता है, हैंग होता है, वैसे ही तुम्हारा माइंड भी हैंग होता है, होता है। ये बीमारी हो गई बहुत खतरनाक, और डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं सूझ रहा है। सबसे खतरनाक चीज होगी, अगर आप खुद बचना चाहे तो ही, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, सबसे पहले खुद शुरुआत करिए, इस जहर से दूर रहिए। बस सूचना के आदान प्रदान के लिए, पढ़ने लिखने के लिए जितना जरूरी है उतना यूज करिए, कराइए, बाकी उसको हाँ सपेरे की पिटारे में रखा हुआ नांग है क्या? मोबाइल जो है सपेरे का पिटारा है जिसमें जहरीले नांग हैं, एकाध नाचने वाला नांग है, तो बस थोड़ी देर के लिए भले उसका नाच देखना हो तो देख लो, नहीं चैन पड़ता है तो, बाकी वो पिटारे में रहे उसमें ही भलाई है, बल्कि पिटारा ही ना रहे उसमें ज्यादा भलाई है, मोबाइल ही ना रहे वो सबसे ज्यादा अच्छा है। इस पर चिंतन की जरूरत है भाई, कि नुकसान वो नुकसान नहीं है, परिणामों का नुकसान नुकसान नहीं है, रुपए का नुकसान सब मानते हैं, रुपए पैसे का नुकसान सब गिनते हैं, लेकिन अपने परिणामों का नुकसान कोई ज्ञानी ही गिनते हैं। मुख समाज प्रकाशक में एक लाइन आई, अपने परिणामों की गिनती करो। क्या करो जी? नोटों की गिनती करो, करते ही हैं बोलो तो। शाम को हिसाब किताब मिलाए बिना अच्छा व्यापारी विश्राम नहीं करता क्या जी? शाम को पूरा हिसाब किताब मिलाएगा हर चीज का, कहाँ कितना खर्च हुआ, कहाँ कितना लगा, कहाँ कितना बचा, कहाँ कितना देना है, कहाँ कितना लेना है, पूरा हिसाब लगाएगा तब जाके विश्राम में जाएगा। कोई ऐसा है कि जो अपने परिणामों का हिसाब लगाता हो और फिर विश्राम में जाता हो? ढेर सारे मूर्ख ऐसे ही मिलेंगे कि परिणाम बिगाड़ते बिगाड़ते विश्राम में जाएंगे। कोई कहा जैसा मिलेगा कि नमोकार के जाप लेने के बाद, कि कोई सुंदर भजन या चालीसा सुनने के बाद विश्राम में जाए। कितना आश्रय बंद हो रहा है, कौन सा दिख रहा है? बोले महाराज जी आंखों से। भाई जितना आंखों से दिखता है उतना ही नहीं होता है, और आज तो ऐसी ढेरों चीजें आ गई कि आप ये प्रूव कर लो कि आंखों से नहीं दिखने वाली चीजें ज्यादा होती हैं। इसलिए आंखों से ज्यादा देखिए मत, आंखों से ज्यादा प्रपंच मत करिए, अपितु अंतर्मुख होने के लिए प्रयास कीजिए। अंतर्मुख मुद्रा हो मोक्ष मार्ग दर्शाए, अंतर्मुख दृष्टि होगी तो ही जीव का कल्याण होगा। सौभाग्यशालियों, तैन शासन में एक बड़े आचार्य हुए हैं अमित गति, द्वातरण शब्द का नाम की एक रचना उनकी है, जैसे सामायिक पाठ भी कहते हैं,
समय एक पाठ में केवल 32 छंद हैं, श्लोक हैं, उपजाति छंद हैं, और एक एक श्लोक में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। पहले इस श्लोक में वे सकल जीवों से मित्रता की बात करते हैं, गुणियों से प्रेम, गुणियों में प्रमोद भाव की बात करते हैं, गलत लोगों के प्रति माध्यस्थ का भाव बना रहे और दुखी जीवों पर दया का भाव बना रहे। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि देह और जीव की भिन्नता का मुझे बोध हो, मैं आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न समझ पाऊं, कर पाऊं, इस तरह की शक्ति मुझे हे जिनेंद्र प्रभु प्राप्त हो, मेरी देहासक्त बुद्धि ना बनी रहे, अपितु मैं देहातीत होने का पुरुषार्थ करूं। तीसरा नंबर का श्लोक जो मुनियों के लिए नित्य भावनीय है, धर्मात्माओं के लिए नित्य चिंतन योग्य है, दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भवने बने वा निराकृता शेष मम त्व बुद्धे सम्मम मनो मेस्तु सदापि नाथ। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, बन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। बताइए कभी आप लोगों ने इसका पाठ किया? केवल ये दो लाइनों पर भी चिंतन कर लीजिएगा, सुखे दुखे दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे, दुख में सुख में वैरियों में बंधु वर्ग में, योगे वियोगे भवने बने वा योग में वियोग में संयोग हो जाए कि वियोग हो जाए, भवने बने वा भवन हो कि वन हो, सब जगह और भी कोई चीज हो, सोना हो कि पत्थर हो, अच्छाई हो कि बुराई हो, हर स्थिति में कृता शेष निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, सब तरह की ममत्व बुद्धि का निराकरण करके समम मनो मेस्तु सदापि नाथ, हे नाथ मेरे मन में हमेशा समता भाव बना रहे। समझ में आया? समझाऊं कई? आत्मा मां राग नथी, आत्मा मां द्वेष नथी, आत्मा आनंद आनंदनु धाम छे, पर पदार्थ थी वेगड़ा छे, भिन्न छे। एटले देह अने आत्मा भिन्न भिन्न छे, एवी भावना नित्य करवी जोईए। बरोबर छे ने बजा बधा गुजरातीओ? समझाणू कई? समझ गए आप लोग? दिल्ली के आदमी को हर बात समझ में आना चाहिए, देश की राजधानी है। समझने की बात है कि सुख में दुख में हर हाल में मैं समता का भाव रखूं। अब जो दीक्षा संपन्न हो गई जागृति मती माता जी की, अब आप करुणा बुद्धि कहो या उनका आग्रह कहो,
या उनकी होनहार कहो, दीक्षा तो हो गई। और उनका जीवन देखा जाए तो इस पर भी थोड़ा सा तो घटता है। सुख में थे तो भी परिवार में मौज मस्ती में थे, अष्टमी चतुर्दशी का उपास कर रहे थे, रात्रि भोजन त्याग रख रहे थे, तब भी अपने कोई छोटे मोटे व्रत वगैरह पाल ही रहे थे। अस्वस्थ हो गए, कैंसर हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए तो भी नियमों को निभाने की कोशिश करते रहे, बीच बीच में संलेखना समाधि का इशारा करते रहे, दर्शन करा दो मंदिर ले जाओ उसकी भावना भाते रहे। और जब डॉक्टरों ने कहा कि अब तो इनका मुश्किल है, अब आप लोग ले जा सकते हो, तो उनने सबसे पहली भावना यही भाई कि अब जब आप छुट्टी यहाँ से मिली रही है तो सबसे पहले मुझे गुरुदेव के दर्शन कराओ, मुनि संघ के दर्शन कराओ। मुनि संघ के दर्शन किए, फिर किसी माता जी ने उनको प्रेरित किया, भावनाएं थी ही, कौन से व्रती की, कौन से देवशास्त्र गुरु के भक्त सुश्रावक की भावना नहीं होती है कि जीवन के अंत में उत्तम समाधि पूर्वक मरण हो। और कहीं किसी भाग्य से ऐसे कोई कृपालु गुरु मिल जाए कि पिछली और दे दें, कठिन काम है, रिस्क लेने का काम है। बड़े बड़े नामधारी आचार्य भी इतने बुजुर्गों को और संलेखना के लिए दीक्षा नहीं देते हैं, क्यों? पूरा हैंडल करना, पूरा ध्यान देना, कोई साधु उनसे परिचित नहीं है फिर भी उनको सेवा में उसमें जुटना जुटाना है। जिनसे परिचित हो गए तो इनकी समाधि के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ हाँ हमारे महाराज हैं, सरल स्वभावी महाराज हैं। तो फिर भी फिर शरद जी ने भी पूछा, सबने पूछा, और वो समझ लीजिए कि लोग भले इस भ्रम में हो या हॉस्पिटल में जाने पर आदमी स्वस्थ होता है कि होश में आता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि देवशास्त्र गुरु के चरणों में जाकर के एनर्जी आपो आप आती है। जब वो आए थे तब कंडीशन एकदम ढीली शिथिल, जैसे 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 वो ऊर्जा के इस ओरा के अंदर आए तो एनर्जी पावर बढ़ता गया, धीरे धीरे बात करने लगे। बात आपने भी की, माताजियों ने भी की, हम टालते रहे। हमने कहा सुबह देखेंगे, 6 बजे देखेंगे, 7 बजे देखेंगे, फिर भी अंत में सोचा कि रात में कहीं सरक गए, जैसे डॉक्टर ने कहा है कि 2-4 घंटे का टाइम है, रात भी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो हमने कहा एक बार तो उनको आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद देने के लिए आए तो फिर उनका हट चालू हो गया, दीक्षा कोई भी पूछे दीक्षा दीक्षा चाहिए तो हाथ जोड़ो, बाद में तो बोलने भी लगे। फिर हमने भी पूछ लिया इशारे से अभी कि कल सुबह दे, तो किसी ने इसका अनुवाद किया उनके लिए, तो उनने कहा धीरे से आवाज निकाली मुंह से होंठे लागे, किसी के पास उसका वीडियो होगा अभी। तो हमने भी सोचा कि इनका हमारा पछतावा हो जाएगा अगर रात, हमको तो भरोसा है कि टाइम निकालेंगे बॉडी की उससे और इस ओरा से मालूम पड़ रहा है कि थोड़ा सा समय निकालेंगे, लेकिन अगर बाईचा चूक हो गई तो हमारा पछतावा हो जाएगा कि सामने वाला जीव तो आग्रह कर ही रहा था और उसकी अंतिम भावनाओं का भी सम्मान नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो छुल्लिका बनी है तो आहार करने जाएं, विहार करने जाएं, प्रवचन देने जाएं, वो दीक्षा ही समाधि के लिए हुई है, सर्वसंग त्यागी संलेखना के लिए हुआ, संथारा के लिए हुआ, ये तो प्राचीन विधि है, संघ का भी कोई लोभ लालच नहीं है। उस जीव का जरूर है कि गुरु मूले यत्निष्ठे चैत्य सिद्धांत वार्धि सद्गोसे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। मेरा अच्छा संलेखना समाधि पूर्वक पिछी धारियों के बीच में जिन भगवान के चरणों में समाधि पूर्वक मरण हो, उस जीव का लोभ है, बरसों की भावना है, तो उसकी भावनाएं साकार हो जाती है। और आप देखिए वो नाक में नली डाल रखी, अभी भी डॉक्टर्स ने कहा है कि जो खून जो है वो निकलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और बस हीमोग्लोबिन केवल 4 बचा है, 3 बचा है, और बस घंटे 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी केवल हीमोग्लोबिन से नहीं इंसान जीता है, समझ में आया ना,
हर विटामिन से ज्यादा शक्तिशाली विटामिन होता है ऊर्जा का, आशीर्वाद का। तो भी हमने फिर नली अलग करने के लिए आग्रह नहीं किया, क्योंकि बूंद बूंद खून वगैरह निकलेगा, उल्टी आएगी, तो फिर बार बार उनको किसी चीज में थूकना पड़ेगा, फिर असुविधा होगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कहना ये चाह रहे हैं कि जिसे यहाँ लिखा है कि सुखे दुखे, देखा जाए तो बहुत सुख में नहीं है, शरीर असाता वाली स्थिति में है, फिर भी संभाव कितना है, 2-3 घंटे से 4 घंटे से तो बैठे हुए हैं ना, अभी 5 घंटे से लाए कैसे थे, लेटा हुआ, अंदर भी कैसे लाए थे, लेटा हुआ, और अभी क्या है, बैठे हुए हैं, हैं? अगर यहीं से रहा आया तो शाम तक खड़े हो जाएं। आप खुद समझिए, औरों को समझाइए कि धर्म की शक्ति बहुत बड़ी होती है, संयम की शक्ति बहुत बड़ी होती है, गुरु देव सास गुरु का ओरा मंडल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में जो कहानी आती है वो झूठी नहीं है, वो कहानी आती है कि एक सेठ जी हैं और उन्होंने एक नई शादी की है, क्योंकि पहली वाली पत्नी के कोई बच्चा नहीं है। कौन सी कहानी है जी वो, है तो किसी बड़े पुराण की कोई कहानी है, 1000 साल पुरानी लिखी हुई। तो जो धर्मात्मा सेठानी है वो कहती है सेठ जी से कि घर में बच्चा होना तो जरूरी है, आपकी सेठ की परंपरा कैसे निभेगी, आप दूसरी शादी कर लो। वो दूसरी शादी कर लेते हैं, और ये बड़े अच्छे से नई बहू का कहिए सौत का स्वागत करती है, लेकिन वो पहले दिन से ही खटास खा के रहती है, ये क्यों है, ये क्यों है। ये ज्यादा से ज्यादा समय मंदिर में देती है, ध्यान में लगाती है, धर्म ध्यान में लगाती है, लेकिन ईर्ष्या द्वेष और उसमें सौत बुद्धि और हो जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है। तो कहते हैं एक तांत्रिक को बुला के कहा कि जो बड़ी वाली है ना, इसको खत्म करना, तुम्हारे पास कोई तंत्र हो, कोई जादू हो, कोई ऐसा कर सकते हो, मूठ फेंकना। तो उसने कहा काम हो जाएगा, क्या लगेगा, इतना इतना लगेगा, ले जाना। और उसने कात्यायनी विद्या सिद्ध की, सिद्ध थी, उसको आमंत्रित किया और उसने कहा कि अमुक सेठानी को खत्म करना। किलकारती हुई विद्या गई, लेकिन सेठानी तो मंदिर में बैठी, वहीं ध्यान करे, वहीं जाप करे, मंदिर से बाहर ही नहीं निकले। अब काम कितना था, आहार भोजन करना है तो एक बार घर आ गए, और नहीं करना है तो 48 घंटे 72 घंटे भी मंदिर में ही उपास है। तो उसने 3 चक्कर लगाए, लेकिन उसका बस नहीं चला। उसने तांत्रिक के पास वापस आके कहा कि मंदिर के अंदर मेरा कोई बस चलता नहीं है। बात समझ में आई, मंदिर का ओरा, जिनालय का प्रभाव, जिनालय की ऊर्जा, वहां का आभा मंडल, वहां का मंत्र मंडल, वहां का तंत्र मंडल, वहां के जिन बिंबों का प्रभाव, तो मेरा मन बस नहीं चलता है। उसने कहा एक बार फिर जाओ, फिर भेजा, लेकिन फिर भी किलकिला करके वो वापिस आ गई। और उसने कहा मैं तुम्हें मारूंगी, क्योंकि मैं खाली वापिस नहीं जाती। तांत्रिक तांत्रिक था, उसने कहा माँ मुझे मत मार, जिसने मुझे इसके लिए रिश्वत दी है तुम उसे मार। कौन मारा, जो नई नई सेठानी आई थी, जो सौत और ईर्ष्या द्वेष से भरी हुई थी, कुछ नहीं वो कहती है फिर भी इसको मार डालो। कौन मरा, जो दूसरे को कुआं खोदता है। तो जैसे वहां प्रभु का प्रभाव, ऐसे मुनि संघ का प्रभाव, तो ये प्रभाव होता है संयम का, साधना का। कभी अपने आसपास कोई बुजुर्ग दादा दादी अस्वस्थ हो गए, आप हॉस्पिटल में चेक कराओ, उनका योग उपचार कराओ, लेकिन देखें कि हाथ से निकलने ही वाले हैं, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करती है, उनका उत्तम समाधि मरण जरूर कराना चाहिए। अगर कोई मुनिराज पास में नहीं है तो खुद 2-4 मित्रों को इकट्ठा करके संबोधित करो,
त्याग वगैरह कराओ, नमोकार की जाप करो और उनको एक मंगलमय माहौल प्रदान करो। क्लेश का, द्वेष का, ईर्ष्या का, हाय हाय का माहौल हटाओ। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो संभाव रूप होना चाहिए तो ही कल्याण होगा। सुखे दुखे वैरिणी बंधु वर्गे, सुख में दुख में वैरी हो बंधु वर्गो, मेरा किसी से भी कोई द्वेष भाव, मेरा किसी से कोई क्लेश नहीं है, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, मैं सहज हूं, शांत हूं। महाराज जी तो उनके हैं, महाराज जी की नीके नहीं है, महाराज जी की समिति है, महाराज जी की कोई समिति नहीं है, महाराज जी का तो अमुक संगठन चलता है। ये समिति हो कि संगठन हो कि संस्थाएं हो, इस श्रावकों ने ही बना ली हैं। महाराज जी का तो सिर्फ संघ है। कौन सा संघ? चतुर्विध संघ। महाराज जी का तो संघ है चतुर्विध संघ, व्यवहार से मुनि आरिका श्रावक श्राविका, और निश्चय से चतुर्विध संघ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप। ना महाराज जी इनके हैं, ना महाराज जी उनके हैं, हैं? फिर महाराज जी किनके हैं? नहीं, ये बागड़ के लोग आते ना, दूध जलेबी फाफड़ा नहीं? ये बोलते हैं आपड़ा हैं। वास्तव में बोलते ठीक है, आपकी भावनाएं ठीक है कि दूध जलेबी फाफड़ा, भावनाएं ठीक हैं, लेकिन विचार भी करना, जो ना हुआ अपने बापड़ा। जो ना हुआ अपने माँ बापड़ा, वो किसी का क्या होगा। अब बोलते भी हैं, कभी नाराज हो जाएं आप किसी से तो बोल भी देते हैं कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। नाराजी नाराजी में मुंह से सच्चाई निकल जाती है, लेकिन इस पर अमल और चिंतन हो तो फिर कुछ बात बने। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। ऐसे में अगर हमारे कोई संबंध बने हैं तो उन्हें विवेक पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, सम्मान पूर्वक निभाएं। कहीं जोर जबरदस्ती, कहीं कोई दबाव, कहीं आसक्ति, इस टाइप की चीजें पैदा ना हो पाए। आप कहो ऐसे कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, भीतर से ऐसो रहे ज्यों धाय पिलावे बाल। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? महीने भर से हम ज्ञानियों 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 कर रहे हैं और आखिर में ढाक के तीन पात। अरे इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना। सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि श्रावक है, बूढ़ा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, है? कोई जीव सौभाग्यशाली हो तो 8-10 वर्ष की उम्र में भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। तो सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। कुटुंब का प्रतिपालन तो करता है, बच्चों का पालन तो करता है, सबको बड़ा करता है, यथा योग्य रास्ते पर लगाता है, लेकिन भीतर से ऐसे रहता है जैसे जैसे धाय माँ बच्चे को दूध पिला रही है। धाय माँ होती थी, जैसे कोई रानी है और उनके यहाँ बच्चा हुआ है तो बच्चे के पालन पोषण के लिए शुरू से ही एक योग्य स्त्री को सुपुर्द कर दिया जाता था। तो रानी तो कहलाएगी माँ, सेठानी तो कहलाएगी माँ, और जो सहयोगी स्त्री होगी जो हमेशा गोद में लेके रखेगी, खुद अपना दूध जिसे पिला दिया करेगी, साफ सफाई का ध्यान रख लिया करेगी, हर हाल में उसका ख्याल रखेगी, वो क्या कहलाएगी? धाय माँ। धाय माँ का रोल बड़ा जबरदस्त होता है।
राजस्थान के मेवाड़ के उदय सिंह से बड़ी घटना जुड़ी हुई है। पन्ना धाय सम्यक दृष्टि जी, अब जो धाय माँ जब दूध पिलाती है तो उस बच्चे को अपना मान के ही पिलाती है क्या? उसे लाड़ प्यार ऐसे ही करती है क्या? अपना ही बच्चा है, बल्कि जितना रानी ना कर पाएगी उतना करती, लेकिन उसे भीतर से पता है बच्चा किसका है। सम्यक दृष्टि जीव का भी यही हाल होता है, कर्तव्य तो करता है लेकिन रस्ता पछता नहीं है। ऐसी विरक्त बुद्धि, विवेक बुद्धि सबको उपलब्ध हो, सबके जीवन में जागृति आए और हर एक इंसान का जीवन जागृति इंकलैब बन जाए। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। I'm gonna be
Oh,
आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।